नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि पूरा विश्व आज इस वैश्विक महामारी की चपेट में है, आज पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त है, परंतु इसका निदान और इसका उपचार आपको पता है, वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, परंतु इतना आसान नहीं है कि पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या, संपूर्ण आबादी को और वैक्सीनेशन कर दिया जाए। अतः इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सैनिटाइज का उपयोग करना, मास्क लगाना ये जरूरी है। आज इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से हमारा जो ये सेकंड स्ट्रेन हमारा कोरोना का आया है, जो बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है और जिसका कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो आइए आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहें और एम स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक होगी और साथ में आप लोग जागरूक भी रहेंगे, अवेयर भी रहेंगे कि हमें किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस संपर्क से नहीं फैल रहा है, ये जल के माध्यम से नहीं फैल रहा है, लेकिन इसका वर्तमान में सर्वाधिक फैलने का माध्यम है वायु। और वायु में क्या है कि जो हमारे श्वास से निकलने वाले ड्रॉपलेट हैं, इन ड्रॉपलेट के संपर्क में दूसरा व्यक्ति आता है तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसा कि मैं आपको पता है, इसका प्रवेश शरीर की त्वचा से नहीं हो सकता, शरीर के किसी अंग से नहीं हो सकता, बल्कि ये सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे फेफड़ों को डालता है, फेफड़ों के माध्यम से इसकी एंट्री होती है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जाँच कैसे की जाए। तो आपको पता है, फेफड़ों को जब ये कैप्चर्ड कर लेता है, फेफड़ों को ये संक्रमित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। ये हमारा सामान्य सा एक मशीन है जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, इसके माध्यम से भी हम चेक कर सकते हैं। यानी इसमें जो हमारी SpO2 है, SpO2 का मतलब सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन की जो मात्रा है, यदि ये 94 से अधिक है तो हम सामान्य हैं, और 94 से कम है इट मीन्स हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम है हमारे ब्लड में, तो हमें डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की आवश्यकता है। यदि 90 से कम है तो रियल में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 90 तक तो चल सकता है, क्योंकि 94 या इससे अधिक सामान्य स्थिति होती है। इसमें पल्स रेट भी दिखाती है, तो पल्स रेट तो आप लोग सब जानते हैं कि 60 से लेकर के और 80 तक कितनी भी रह सकती है, जिसको PR के नाम से पुकारा जाता है, पल्स रेट, जो इसके पास वाले में होती है कॉलम में। तो पल्स रेट 60 से 80 हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल 94 से अधिक होना चाहिए, इसके माध्यम से जाँच किया जा सकता है। और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कोरोना का जो पेशेंट होता है उसकी जांच स्लाइवा के माध्यम से होती है, नाक या मुंह में से स्लाइवा ले लिया जाता है और स्लाइवा लेने के बाद में उसका टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट इतना आसान नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए हमें पूरे इस प्रकरण को समझना पड़ेगा, इस पूरे मेथड को समझना पड़ेगा। इसके लिए RT-PCR मशीन होती है। RT-PCR मशीन का उपयोग कैसे होता है और इसमें किस प्रकार से कोरोना की जाँच होती है, यानी कोरोना है या नहीं, इस मशीन के माध्यम से। RT-PCR का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चैन रिएक्शन, ये इस मशीन का नाम है, इस टेस्ट का नाम है। तो देखिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो हमारा कोरोना है वो RNA है और हमारी जो तकनीकी है वो DNA को टेस्ट करने की है, यानी RNA को डायरेक्ट टेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें क्या करना होता है कि जिस प्रकार से हम डबल हेलिक्स वाले को तोड़ करके सिंगल हेलिक्स वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को DNA से RNA में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। परंतु हम उल्टा काम करेंगे, RNA से DNA बनाएंगे फिर इसका टेस्ट करेंगे, तो RNA से DNA बनाने की इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RT बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इस मशीन के माध्यम से एक इस चैन को घुमाने पर,
जांच करने के दौरान जो सलाइवा लिया है उसको जांच में घुमाने पर, एक बार दो बार दस बार घुमाने पर उसके अंदर कोरोना वायरस यदि पाया जाता है तो हम उसको पॉजिटिव करार घोषित कर देते हैं, पॉजिटिव करार दिया जाता है। परंतु हमारे सामने मजबूरी क्या है कि आरएनए को डीएनए में तब्दील करना पड़ता है, इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ रहा है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो हमने स्लाइवा लिया है उस स्लाइवा को हमारी आरटीपीसीआर की मशीन के अंदर बार बार करके उसको चेक किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को यूं समझ सकते हैं कि सीटी वैल्यू कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीटी वैल्यू कहते हैं। सीटी वैल्यू का मतलब हो गया कि कितनी बार राउंड अप करने पर इसमें कोरोना मिला है, उस पेशेंट के स्लाइवा में कोरोना मिला है। तो इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि जिसके 5 बार राउंड अप करने पर मिलता है तो उसमें कोरोना की मात्रा सर्वाधिक होती है, और जिसमें 32 बार राउंड अप करने पर मिलता है तो उसमें कोरोना वायरस की मात्रा कम है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, परंतु 35 राउंड अप लेने तक का इसमें विधान है। यानी इस आरटीपीसीआर मशीन में कोरोना चेक करने के दौरान 35 राउंड अप लेने तक का विधान है, परंतु 5 बार में यदि कोरोना मिल रहा है तो सर्वाधिक, और 32 में मिल रहा है तो न्यून यानी नगण्य उसमें कोरोना है। परंतु याद रखना कि सीटी वैल्यू कम होना या सीटी वैल्यू ज्यादा होना उस रोगी के ऊपर क्या प्रभाव डालता है ये मायना नहीं रखता है, परंतु इससे ये आकलन किया जा सकता है, इसे मालूम किया जा सकता है कि इसमें कोरोना वायरस कितना है। यानी सीटी वैल्यू 5 आ रही है या 5 के आसपास है यानी कम है तो कोरोना वायरस की मात्रा ज्यादा है। आपको पता है कोरोना वायरस जो है वो अपनी फोटोकॉपी करवा लेता है अंदर, और इसकी एंट्री मैंने आपको बताया कि फेफड़ों के माध्यम से होती है। किस तरीके से होती है एक बार समझने की कोशिश करना। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना आता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी, ये इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, उसके आधार पर हम उससे लड़ते हैं, क्योंकि हर बीमारी को लड़ने के लिए हमारे पास में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और इसमें डब्ल्यूबीसी को तो हम हमारे सैनिक बोल देते हैं कि वो तो सैनिक है, हमारे रक्षा तंत्र में सबसे मजबूती इन्हीं के साथ में होती है। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीजन के माध्यम से जब कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों में क्या होता है कि इसका जो कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस रिसेप्टर पर जाकर के और चिपकता है, रिसेप्टर के माध्यम से वो एंट्री करता है। क्योंकि आपको पता है वायु के माध्यम से हमारा हीमोग्लोबिन जो है O2 का संग्रहण करता है, O2 लेता है, और जिससे हमारे पूरे शरीर में श्वसन तंत्र को संचालित किया जाता है। देखिए इस टॉपिक को इस प्रकार से समझने की कोशिश करना कि जो हमारा ये एक वायरस है कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस के ऊपर जो ये चिपके हुए से लग रहे हैं आपको भाइये, इसको स्पाइक प्रोटीन के नाम से पुकारा जाता है, तथा अंदर जो ये देख रहे होंगे आप इस प्रकार से, ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल और स्पाइक प्रोटीन। इस स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से एंट्री लेता है, और एंट्री लेने के बाद में जो ये आपका जेनेटिक मटेरियल है इसको राइबोसोम, जो कि आपको पता है हमारी कोशिका के अंदर राइबोसोम एक प्रकार से फैक्ट्री या ईंधन का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इस राइबोसोम के पास में जाकर के और ये कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल फोटोकॉपी हो जाता है। राइबोसोम को पता नहीं है कि करना क्या है, मैं किसकी फोटोकॉपी कर रहा हूं यानी किसकी वृद्धि कर रहा हूं, प्रोटीन की जगह हमारे इस वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी हो जाती है, और इसकी स्पीड से वृद्धि हो जाने पर अंदर कोरोना वायरस की वृद्धि हो जाती है, और शरीर में इतनी जबरदस्त वृद्धि हो जाती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, यानी वायरस हो जाता है। आपको पता है बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आपने देखा होगा कि मात्र महज 24 घंटे 48 घंटे के अंदर संपूर्ण लंग्स खराब हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसकी अंदर हमारे राइबोसोम क्या कर लेता है, प्रतिकृति तैयार कर लेता है, कॉपी तैयार कर लेता है, इतनी लार्ज स्केल पे कर लेता है जिससे कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ये हमारा जानना बहुत जरूरी था। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये कोरोना ही कोरोना हो गया हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स काम करना बंद कर दिया, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है।
मरीज तड़पता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, इस दौरान अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री हो चुकी है, अंदर जाकर के वो अपनी प्रतिकृति तैयार करवा चुका है, राइबोसोम अपना काम कर रहा है, तो अब एकमात्र विकल्प बचता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको मजबूत किया जाए। आपको पता है काफी लोग जैसे ही कोरोना होता है फीवर की चपेट में आते हैं, गला खराब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे वो रिकवर हो जाते हैं। रिकवर होने का मतलब उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा है। और याद रखना, जिनके इंसुलिन की कमी है, मींस उनके मधुमेह रोग है, जिनको आप शुगर कहते हो, उनके सामने बड़ी समस्या है, क्योंकि जिंक को लेकर के, जहां जिंक है इसका मतलब इंसुलिन की मात्रा बराबर रहेगी, और जिंक नहीं है इसका मतलब इंसुलिन की कमी है, और इंसुलिन की कमी का मतलब मधुमेह रोग है यानी शुगर की बीमारी, और शुगर वालों के लिए तो सबसे ज्यादा घातक है, तभी तो उनके प्राण ज्यादा हरता है जिनके शुगर की बीमारी है। लेकिन शुगर वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये एक प्रकार का हमारा क्या है, कोरोना वायरस है। दिखने में छोटा सा है लेकिन इतना घातक है कि अपनी कॉपी अंदर ले जाकर के अपने ही संसाधनों से करवा लेता है, मानव के संसाधनों से इसकी कॉपी करवा लेता है। मतलब इतना धूर्त आदमी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में बचाव के जो ऑप्शन है वो क्या है, प्राण वायु जो हमारे मुंह के माध्यम से या नाक के माध्यम से जा रही है, जो ड्रॉपलेट के माध्यम से अंदर एंट्री कर रहा है, तो इसकी एंट्री को रोक दो, यानी आप मुंह पे मास्क लगा लो, और मुंह पे आप मास्क लगा रहे हो, सामने वाला मास्क लगा रखा है, इट मींस आपके शरीर के अंदर ये वायरस एंट्री नहीं ले पाएगा, और जब ये एंट्री नहीं ले पाएगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। भारत सरकार ने भी इसके लिए काफी प्रयास किए हैं। पता है 2020 से लेकर के ये 2021 आ चुका है, इस वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे राष्ट्र अलग अलग प्रयास कर रहे थे। जैसे यूएसए ने अपनी फाइजर के नाम से वैक्सीन खोजी है, स्पुतनिक के नाम से रूस ने खोजी है, अलग अलग राष्ट्रों ने खोजी है। तो भाग्यशाली हैं कि हमारे भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, उन्होंने भी हमारी दो वैक्सीन खोजी है, जिसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है, एक है कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। विश्व में अन्य राष्ट्रों में जो वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, यानी जो वैक्सीन तैयार की गई है, वो एंटीबॉडी डेवलप करने से संबंधित है, लेकिन भारत में उल्टा काम है। भारत की ये दोनों वैक्सीन, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि ये दोनों वैक्सीन तैयार की गई है, ये स्वयं कोरोना से तैयार की गई है, यानी मृत कोरोना या क्षीण कोरोना या कमजोर कोरोना, इसको इसमें मिलाया गया है, और इसमें और केमिकल मिला करके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, इस प्रकार से इनको तैयार किया गया है। मतलब एक प्रकार से लड़ाई से पहले पूर्वाभ्यास, इसके अंदर जितने भी मृत प्राय जो आपके कोरोना हैं, इसको शरीर में जब इंजेक्ट किया जाता है, यानी वैक्सीनेशन किया जाता है, इंजेक्ट करने के बाद में काफी के बुखार आ जाता है, काफी की तबीयत थोड़ी हल्की फुल्की नरम हो जाती है। कारण क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मृत प्राय जो वायरस अंदर घुसे हैं उनसे लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं, और जब वो फाइटिंग करते हैं उस दौरान हमारे शरीर में क्या है, बुखार आता है स्वतः। लेकिन याद रखना, कमजोर और मृत प्राय आपके इन COVID-19 इस वायरस की टक्कर जब पहले से शरीर में तैयार हो गई, पहले से फाइटिंग हो चुकी है, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो गए, जिस दिन ओरिजिनल वाला आ जाएगा वायरस, उस दिन हमारा शरीर आसानी से उसको धराशाई कर देगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये प्री प्लान है, यानी शरीर को तैयार किया जा रहा है। अतः भारत की जो वैक्सीन है ये बहुत अच्छी है, वैसे तो पूरे विश्व की अच्छी कहेंगे, लेकिन भारत वाले काम उल्टा ही करते हैं कि उसको डायरेक्ट इंजेक्ट करवा दो जो भविष्य में आने वाला है, यानी एक प्रकार से हमारी तैयारी हो चुकी है। और ये आप जानते हैं कि कोविड शील्ड हो या कोवैक्सीन हो, इसके लिए न्यूनतम टेम्परेचर की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे फाइबर जैसी को तो माइनस में रखना पड़ता है टेम्परेचर में, हमारे यहाँ पर तो आसानी से 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री टेम्परेचर पर इसको रखा जा सकता है। और याद रखना, एक बार वैक्सीनेशन हुआ तो उसके बाद में 28 दिन से लेकर के 42 दिनों तक कभी भी दूसरी वैक्सीनेशन करवाई जाती है,
यानी एक बार करवाने के बाद में दूसरी बार भी उसी पेशेंट के क्या करवाई जाएगी, वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। हर नागरिक के दो बार वैक्सीनेशन होती है, पहली पहली के बाद में 28 से 42 दिनों के मध्य कभी भी करवाई जा सकती है। यह है भारत की तकनीकी यानी हमारी साइंस का कमाल कि हम उसी कोरोना को पहले अंदर इंजेक्ट करवा रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं शरीर में, ताकि हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। ये हमारा कोरोना है, इसको देखते ही ऐसे लगता है कि दिखने में छोटा सा है, जिसकी एंट्री कहीं से नहीं, लेकिन कहाँ से हो रही है, हमारे फेफड़ों के माध्यम से हो रही है। और खास बात यह है कि हम अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, हमें इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमें केवल और केवल याद रखना है साथियों मित्रों, आज पूरा विश्व इस मास्क के माध्यम से अपना बचाव कर रहा है। जिन लोगों के कोरोना हो चुका है और वो रिकवर हो चुके हैं, उनसे निवेदन रहेगा मेरा कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि उस प्लाज्मा में कोरोना वायरस से लड़ने की पावर, इम्यूनिटी पहले से ही है। जब वो प्लाज्मा डोनेट करके और हमारे प्रभावित जो भी हैं, जो पेशेंट है उसके चढ़ाया जाएगा, तो उसमें पावर क्रिएट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, वो ओरिजिनल वाले से लड़ लेगा, यानी आसानी से वो रिकवर हो जाएगा। अतः प्लाज्मा डोनेट करें, जो इस बीमारी से ग्रसित होकर के पुनः ठीक हो चुके हैं। साथ में दूरी मेंटेन करना, मास्क लगाना बेहद जरूरी है। अतः मेरा सबसे निवेदन है इस एम स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों से सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और 2 गज की दूरी बना करके रखें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।